अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा शेख। आज 20 जुलाई 2023 है और आज मैं आपको मालवण की बारिश बताने जा रही हूँ। वैसे तो डिक्लेयर हो चुका था गवर्नमेंट की तरफ से कि 2-3 दिन बारिश जो है वो ज़ोरों पर होगी और बाहर ना निकले। तो देखो ये हमारा कंपाउंड किस तरह पानी से भरा हुआ है। सामने का जो कंपाउंड पूरा ओवरफ्लो होने के बाद हमारे यहाँ पर पानी आया है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने ज़ोरों पर बारिश है। ज़्यादातर ये नारियल के दरख्तों का बहुत ही डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए, यही धोखा होता है। नारियल गिरते हैं, चुरतियाँ गिरते हैं, देखो कितना पानी भरा हुआ है। पानी की बूंदें देखो कितनी है, तेज़ हवा हवा के साथ। मैं ये अपने घर के अंदर से शूट कर रही हूँ क्योंकि बाहर जा ही नहीं सकते, इतना बारिश है और इतनी हवा है। देखिए पूरा पानी से कंपाउंड हमारा भर गया है, पानी जाने के लिए कहीं से भी चांस नहीं है क्योंकि बाहर जो है नाले वगैरह भी सब भर चुके हैं। देखिए झाड़ों की हालत, हवा से पूरे हल रहे हैं, यहाँ तक कि ये सुपारी का जो पेड़ है वो भी हल रहा है। देखिए यहाँ पर देखो ये जड़ें कैसी आई है, पूरी मिट्टी जो है पानी से बहकर कंपाउंड की चली गई है। देखिए मिट्टी जाने के बाद क्या होता है कि ये छोटे छोटे पौधे भी गिर जाते हैं, इतना ज़ोरों पर बारिश है। देखिए हमारे घर में भी पानी आने के ही मार्ग पे था, ज़रा सा बच गया। फिर हमने क्या किए, पानी आने वाला हमें ऐसा महसूस होने लगा तो हमने क्या किए, अपना थोड़ा थोड़ा सामान जो है बाहर का सेफ रखे। यहाँ पर देखो सामने का जो कंपाउंड ओवरफ्लो होकर हमारे यहाँ पर सब पानी आ रहा है, ये देखो कितना फोर्स में पानी है। देखो पानी जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, पूरा इतना बारिश ज़ोरों पर है, बाहर जाकर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए ये ऊपर से बहता हुआ पानी, ये देखिए अभी हमारे, मैं अपना खिड़की में से आपको ये वीडियो शूट करके बता रहा हूँ कितना पानी भरा हुआ है। देखो जड़ें देखो किस तरह डूबी हुई है। हमारे यहाँ ही ये कंडीशन नहीं है, देखो ये हमारे घर के अंदर से मैं आपको कांच का जो पानी बह रहा है वो कांच में से बता रही हूँ। अब हमने क्या किया, अपना जो कबाड़ था बाहर वो कबाड़ हमने नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा खाली कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा एहसास हुआ कि पानी जो है अंदर घर में आने वाला है, इसलिए हमने अपने कबाड़ को भी नीचे का भाग पूरा खाली करके उसे किताबों को हमने ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया है। यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा ज़रा सा ये होने के बाद पानी ज़रा सा उतर गया है। देखिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये पानी जो है रुक नहीं रहा था, सामने से पानी पूरा हमारे यहाँ पर आ रहा था, हमने यहाँ पर एक बांध की तरह ये कर दिया, मिट्टी डालकर और पत्थर वगैरह डालकर। यहाँ पर आज स्कूलें भी बंद है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 3 दिन बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, ख़ासतौर पे अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि ऐसे जो पानी बहता है उसमें रेंगने वाले जानवर ज़्यादा होते हैं, तो अपने बच्चों को संभालें, एहतियात बरतें। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।